स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर और मैं फिर से आ गई हूँ एक नई वीडियो के साथ। लोग मेरे चैनल पर नए हैं उनका मैं स्वागत करती हूँ और मैं आपकी बहुत आभारी रहूंगी अगर आप मेरे चैनल के नीचे एक सब्सक्राइब का बटन है उसको जाके क्लिक कर देंगे, क्योंकि उसमें आपका कुछ भी नहीं जाएगा, केवल एक सेकेंड ज़्यादा से ज़्यादा आपको लगेगा पर मेरी बहुत मदद हो जाएगी। एंड मैं प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। तो अभी आपने मेरे चैनल पर मेरे खोपड़ी में कुछ समस्या है तो उसको मैं जल्दी ठीक करूँगी, पर उससे पहले हमें ये वीडियो बनानी है तो मेरे खोपड़ी के बारे में बाद में बात करेंगे। तो मैं ये कह रही थी कि मेरे टाइटल में आपने पढ़ ही लिया होगा कि ये वीडियो किस चीज़ से रिलेटेड है। प्लीज़ इसके नीचे नेगेटिव कमेंट्स मत करना कि शो ऑफ कर रही है ऐसा कुछ भी। ये मेरे खुद की मेहनत, मेरे खुद के खून पसीने का मतलब मेरे पैसों का ही ये सब कुछ है। ऐसा कुछ भी नहीं है कि मैंने अपने मम्मी पापा के पैसे उड़ाए, ये सब मैंने, और ये अभी के नहीं है, 4-5 साल पुराने भी है। तो ये मैंने जब अपनी जॉब स्टार्ट की थी तब से मैंने खुद अपने पैसों से। प्लीज़ जज मत करना और मेरी वीडियो को देखना। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले हम शुरू करते हैं बूट से, क्योंकि वो मेरे पास सबसे कम है, तो कम क्या, दो ही जोड़ी है, तो उससे शुरू करते हैं। तो सबसे पहले है ये पैर ऑफ शूज जो कि बहुत गंदे हो रहे हैं क्योंकि लॉकडाउन हो चुका है, मैंने कब से यूज भी नहीं किया। ज्यादा बूट्स जो कि मैंने अपने घर के पास के मार्केट से लिए थे, उस टाइम पे बहुत इन था और इसको हो गए होंगे 4-5 साल, पर इसका जो प्राइस है वो है 500 उस टाइम पर। एंड उस टाइम ये पहनने के बाद बहुत अच्छे लगता है, बट द ओनली प्रॉब्लम, बट इनकी एक ही समस्या है, हिंदी में बात करना है तो इनकी एक ही समस्या है कि इस पे जो हील्स है ना वो बहुत ही ज़्यादा अनकंफर्टेबल है। अनकंफर्टेबल को हिंदी में क्या कहते हैं? अगर आप सभी को अनकंफर्टेबल की हिंदी पता है तो प्लीज़ मेरे कमेंट सेक्शन में बताना। ये अब मैं यूज़ नहीं करती और ये मेरे पर बहुत टाइट भी हो रहे हैं, उस टाइम भी बहुत टाइट थे पर पता नहीं मुझे बहुत ज़्यादा उत्सुकता हो रही थी इस कारण मैंने इसको ले लिया, पर अब मैं इसको ज़्यादा नहीं पहनती हूँ। द सेकेंड बूट्स आर, ये मेरे सबसे मन पसंदीदा बूट्स हैं। एंड इनके साइड में जो है ना चेन है, और मैं साल में एक बार बस लेस बांधती हूँ, उसके बाद पूरे साल ऐसे ही चलता है। ये जो बूट्स हैं ये मैंने लिए थे सरोजनी नगर से, एंड ये थे, इन्होंने, उन जो अंकल थे ना उन्होंने मुझे कहा था कि ये 2000 रुपये के हैं, बट मैंने उनसे, ये शोरूम के थे तो बार्गनिंग ज़्यादा मैं उनसे एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी, बट उसके बाद भी उन्होंने मुझे 1500 में दिया, तो मेरे ख्याल से ये अच्छी डील है। ये मेरे दो बूट्स थे। और करते हैं मेरे जूतों की। तो जो मेरा जो सपना है वो ये है कि अगर मेरे पास कभी बहुत पैसे हुए तो मैं अपने जो भी कबर्ड है ना उसमें पूरा 100 जूतों का कलेक्शन रखूं। 100 तो बहुत कम है, बट अभी कहते हैं ना जितनी चादर हो उतना ही पैर फैलाना चाहिए। सबसे पहले मेरे जूते हैं वो ये जूते हैं, एंड ये बहुत बहुत ज़्यादा क्लासी लगता है। प्लीज़ इनकी जो व्यवस्था कहते हैं, क्या कहते हैं, इनके रूप चित्र पे मत जाइएगा अभी, क्योंकि अभी लॉकडाउन के कारण मैंने इनको धोए वोए भी नहीं है। तो ये जो शूज़ है ये मैंने लिए थे लाजपत नगर में। शूज़ मेरे को एक्सपेक्ट, मैंने, मेरे को लगा था कि ये 2000 या 1500 से नीचे के नहीं होंगे, पर उन्होंने मुझे बोला कि ये 800 या नहीं 900 के, और मुझे इतनी खुशी हुई और मैंने ये खरीद लिए। तो नेक्स्ट शूज़ की बात करते हैं हम, फिल्ला। तो एक टाइम था जब मुझे फिला, मुझे सोल वाले शूज़ बहुत ज़्यादा पसंद है, तो जो जूते सोल होता है ना वो बहुत हाइट देता है, मेरी हाइट थोड़ी छोटी है तो ये मुझे 1 इंच हाइट दे देता है, तो ये भी सोल वाला जूता है फिला। ये मेरे दोस्त के साथ मैं गई थी उसके घर के पास, मैंने अपने दिमाग में सोचा हुआ था कि फिला का जूता मुझे 2000 से नीचे का नहीं मिलेगा, उन्होंने मुझे बोला कि ये 1500 का है, तो मैंने कहा 1500, मैं तो अपने दिमाग में 2500 सोच के आई थी, तो इस हिसाब से मुझे तो बहुत खुशी हुई थी। मैंने खरीदा था जहाँ तक मुझे याद है रजौरी गार्डन से। अभी फ़िलहाल के मेरे सबसे पसंदीदा जूते हैं और ये मैंने फ़िलहाल में ही ख़रीदे हैं, इनको ज़्यादा टाइम भी नहीं हुआ, कोरोना से 1 महीना पहले ही ख़रीदा होगा। इनका सोल आप देखिए, ओह माय गॉड,
मुझे तो इतने ज्यादा पसंद है, मैं बता नहीं। ये पूरा जो ये वाइट है ना, ये इतना ज्यादा सुंदर लगता है। आप इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर सकते हैं, वहां पे मैंने इन जूतों में बहुत सारे फोटोज डाले हैं, तो आप वहां पर मुझे फॉलो करके देख सकते हैं। ये जो जूते है ना, ये भी मैंने लाजपत नगर में इसी वाली शॉप से खरीदा, दुकान से खरीदे थे, और ये मुझे पड़े थे 900 रुपए। तो मेरे नेक्स्ट जूते हैं, ये तो मुझे याद भी नहीं मैंने कहाँ से खरीदे थे। पता है कि ये बहुत पुराने हैं, शायद मैं तब फर्स्ट ईयर में थी कॉलेज में, 2016-17 की बात है। तो ये मैंने बहुत सस्ते खरीदे थे, 200 रुपए, इससे ज्यादा नहीं खरीदे होंगे। तो ये 200, ये इतने हल्के हैं मैं आपको बता भी नहीं सकती कितने ज्यादा हल्के हैं। और ये ना मेरे दोस्त मुझे, एक तो मेरा पैर बहुत छोटा है, मेरे पे 4 या 5 नंबर आता है। और मेरे साथ पता है क्या हुआ था, हम लोग गए थे उस टाइम पे पालिका बाजार, तो मुझे ना जूते पसंद आए थे, तो उनको मैंने बोला कि भैया मेरे को थोड़ा और छोटा साइज चाहिए। तो उन भैया ने बोला कि ये लीजिए मैडम, उन्होंने मुझे 5 नंबर, मेरे पे 4-5 आता है, वो डिपेंड करता है शूज पे। तो उन्होंने कहा, मैंने बोला ये भी मेरे पे थोड़ा ढीला आ रहा है, आप मुझे इससे भी छोटा दे दीजिए। तो उन्होंने बोला आपको बचपन में बॉर्नविटा पीना था ना। तो मैंने बोला यार भैया, पहली बात तो वो कॉम्प्लेन होता है, और सेकेंड ऑफ ऑल मैं क्या करूँ, मेरी हाइट छोटी है। तो फिर हाँ, तो मेरे दोस्त मुझे बोलते हैं ऐसा लगता है स्कूल के जूते हैं, बट ये सच में ब्लू जूंस, ब्लू कलर की जीन्स के नीचे या फिर कोई भी स्किनी जीन्स के नीचे शूज बहुत ज्यादा अच्छे लगते हैं। मेरे जूते खत्म हो चुके हैं, हील्स पे आ जाते हैं। हील्स भी मेरे पास ज्यादा नहीं है, क्योंकि मैं हील्स को पहनना ज्यादा पसंद नहीं करती हूँ। तो जो मेरी फर्स्ट हील्स है वो ये हील्स है, एंड ये मैंने सरोजनी नगर से खरीदी थी 650 रुपए की। एंड इसका जो ये है, ये ट्रांसपेरेंट टाइप का, एंड इट्स पीच कलर है, बेबी पिंक है, उसी किसी कैटेगरी में आता है। तो ये, और ये इतनी कंफर्टेबल है ना हील्स है, ये मेरी मुझे बहुत पसंद है। इसका ये जो बो है ना, ये मुझे बहुत ही ज्यादा अच्छा लगा था। और इसमें अगर आपने नेल पेंट लगाई है पिंक कलर की, तो बहुत सुंदर आपके पैर लगता है सचमुच। ये ट्रांसपेरेंट है पूरा, तो पूरा पैर दिखता है, बहुत सुंदर लगता है। उसकी बात करते हैं, 3 ही हील्स है मेरे पास। तो थर्ड हील्स मेरे पास ये है ब्लैक कलर की, ये मैंने लिया था जनकपुरी डिस्ट्रिक्ट सेंटर से, एंड इसका प्राइस मुझे अभी याद नहीं, 350 या 500 के बीच में थी, बहुत टाइम हो गया। ये भी मैंने सेकेंड ईयर में खरीदी थी शायद। तो ये तो बहुत बहुत अनकंफर्टेबल है, इनमें तो मैं चल ही नहीं सकती। मैं एक जूता तो दिखाना ही भूल गई, ये भी मैंने बहुत पहले खरीदा था, अब तो शायद मैं कभी खरीदती भी नहीं, पर मैंने पता नहीं क्यों खरीदा। अब मैं कभी कभी पहन लेती हूँ जब मुझे जैसे और कोई जूता नहीं है, या फिर वॉक करने जा रही हूँ सुबह सुबह। ये भी मैंने कुछ 500 के करीब में ही खरीदा था, मुझे कुछ खास ध्यान नहीं है। तो ये जो शूज होते हैं ना जिनपे ये स्टार्स वगैरह, ये मेरे को खुद नहीं पता मैंने क्यों ले लिया, बट ये इतने मुझे किडिश लगता है, सॉरी टू से, बट मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। आते हैं चप्पलों पर, चप्पल सुनने में थोड़ा अजीब लगता है। और ये जो है, मैंने शुक्र बाजार होता है ना वो, उससे खरीदी थी, तो ये मुझे पड़ी थी कुछ 200 रुपए की चप्पल है, वो मैंने ये खरीदी है। और ये हमने घर के पास, मेरा एक मार्केट है वहां से खरीदी थी भाई। ये पहनने के बाद बहुत ज्यादा सुंदर लगती है, अगर आपने कोई कुर्ती डाली हुई है, शॉर्ट और जीन्स, तो ये बहुत सुंदर लगती है। थर्ड वन इज दिस, इसका प्राइस मुझे नहीं पता है, ये मेरी मम्मी मेरे लिए जयपुर से लेके आई थी, तो ये जयपुरी चप्पल है, वो लोग घूमने गए थे, मुझे इसका प्राइस नहीं पता। और गिफ्ट का मोल भाव ना ही करे तो बेहतर रहता है। एंड जो मेरे घर के पास मैंने शुक्र बाजार बताया था, वहीं से मैंने खरीदी थी, ये मुझे बिल्कुल नहीं पसंद, पर मेरे को ऐसी एक चप्पल चाहिए थी, क्योंकि उस टाइम पे बहुत ट्रेंड में थी, मुझे बिना इसके चाहिए था स्टड के, बट मैंने इतना ढूंढा, मुझे कहीं नहीं मिला। तो मार्केट्स में मुझे कहीं नहीं मिला, ये स्टड वाले मिले थे, तो एट दी एंड मुझे यही खरीदने पड़े। और ये है, ये भी 150 रुपये की थी। एंड देन नेक्स्ट चप्पल है जो कि मैंने सरोजनी नगर से खरीदी है, और
ये भी मैंने 200 रुपए की खरीदी थी और ये मैंने आज तक पहनी नहीं। मुझे ना ये बहुत पसंद आया था, लाइक छोटी ड्रेस, मतलब ड्रेस और ड्रेस के नीचे पहनूं, पर मैंने कभी ध्यान नहीं दिया कि इसके पीछे चेन है। और ये बहुत गंदी लगती है जब पहनते हो, एक तो ये खुल जाती है बार बार और ये बहुत ही ज़्यादा गंदा लुक देती है। तो बस यही था मेरा, किसी ने मुझे ये पूछा था कि दी आप अपने शूज़ के कलेक्शन दिखाओ, तो इसलिए मैंने आपको दिखाया। मैं आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई हो, अगर आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। कुछ लोग हैं जो मुझे बहुत सारे सजेशंस देते हैं, जैसे कि शालिनी यादव और आनंदिता है, जो कि मुझे हमेशा बताती है कि दी आप ये चैलेंज करो, दी आप ये चैलेंज करो। थैंक यू सो मच कि आप मेरी वीडियो देखते हो और मुझे सजेशंस देते हो। आप अपने सजेशन मुझे देते रहे, मुझे बहुत अच्छा लगता है, मैं हर एक कमेंट पढ़ती हूँ। एंड बाय, फिर मिलती हूँ आपसे न्यू वीडियो में। लव यू, लव। जूते रहते हैं, इसके पीछे एक स्टोरी है, क्या मैं बताऊँ? बताती हूँ। एक बार क्या हुआ था ना, मैं मेरी मौसी के शादी में गई थी देहरादून। उससे पहले हम लोगों ने शॉपिंग करनी थी, तो मैंने मम्मा को बोला कि मुझे कुछ, उस टाइम मैं स्कूल में थी, 11th में रही होंगी शायद, तो मैंने मम्मा को बोला कि प्लीज़ मुझे पैसे दे दीजिए, मुझे हील्स ख़रीदनी है। तो मम्मा ने मुझे पैसे दिए और मैंने सारी शॉपिंग कर ली, और जब हील्स की बारी आई तो मैंने हील्स की जगह पर जाकर शूज़ ले लिया। और मैंने सोचा कि मेरे पास सेविंग्स रहती थी, मैंने सोचा मैं बाद में खरीद लूंगी, अभी मुझे जूता पसंद आ रहा है, मैं ले लेती हूँ। अब फिर जब हम गांव में शादी, गांव कह रही हूँ, देहरादून में जब हम शादी में गए, क्या हुआ, जिस दिन मेन बात बारात का दिन था, उस दिन मुझे जाना था सैंडल पहन के, और मुझे तब तक होश नहीं। मैंने पूरे कपड़े, लहंगा वहंगा सब पहन लिए एकदम मस्त होके, और जब जाने की बारी आई मुझे याद आ, ओह शिट, मेरे पास तो सैंडल ही नहीं। और मुझे अभी भी याद है, मैं मम्मा के पास गई, मैंने कहा मम्मा मेरे पास सैंडल नहीं है, और फिर मेरी मम्मी ने मुझे गड़वा ली। मैं वहाँ पे इतने सारे लोग थे ना, उनके सामने मेरी बेइज्जती की, मम्मी ने मुझे गड़वा ली, बोला अब तू तो जूतों की माला बनाए घूम। इसका मतलब है कि अब जो तूने जूते लिए ना, उनकी माला बना के घूम।